हमने इशू किया था, तो पासपोर्ट कलेक्शन हुआ, उनका वीजा भी अप्रूव हो गया है, तो इमिग्रेशन का उन्होंने स्टैम्प भी लगाया, उन्होंने भी ध्यान नहीं किया। फिर आगे जाके बोलता है ये तो ब्लैंक है, ये नहीं होगा। फिर इमीडिएट उन्होंने पहले उसका स्टैम्प कैंसिल, बाद में वो लोग भी फंस जाते हैं ना। फिर उन्होंने बोला सर, शुक्रिया अदा करते हैं अली साहब पर, जिया साहब ने भी जो वहाँ पे कोऑर्डिनेट किया, तो जिया साहब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो हमारे खादिम तौकीर साहब जो हमारे ऑफिशियल में से हमारे मोस्ट सीनियर जो हमारे खादिम हुजाज को शुक्रिया अदा करते हैं आपका भी सर, जो हमारे बहुत आपका भी वेलकम करता हूँ आज का वीडियो लद्दाख की ओर से। बर्षा समझता है, है किसी केस में कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपको अरफात से मुजलिफा आना है, उस वक्त बस का इंतजार ना करें, बेहतर यही है, क्योंकि इस साल हमने बस का इंतजार नहीं किया, हमारा एक ही आदमी खो गया। अगर बस का इंतजार करते वो उसमें खो जाते हैं ना आजी सर, 200 मैं लीड कर रहा था लगभग 410 लोगों का, हमारे बिल्डिंग के टोटल 410 थे, हैदराबाद मुंबई और जो बेंगलोर के जो हमारे इन एडिशन था एकोमोडेशन होटल में, तो उस वजह से बहुत चला। और जिया सर ने मुझे मैसेज किया था कि बस क्या है, मैंने उनको बोला था कि बस का इंतजार आप ना कीजिए, चाहे जैसे भी आपको चलना है। मैनेजर मैं ये कहूँगा कि जो भी अरेंजमेंट थे, कोई पोलिटिकल बेस पे नहीं कहूँगा, जो भी अरेंजमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट है। 25 लाख आदमियों का अरेस्ट करना कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से 2023 का जो हमारा हज का एक मिशन था उसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे माहौल में ये हमारा मीटिंग ख़त्म हुआ। इस मीटिंग में हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब जमा हुसैन नमग्याल साहब, जो हमारे हज कमेटी ऑफ लद्दाख के मेंबर भी है, उनकी उपस्थिति में हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुशरफ अली हाफ साहब हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे, और साथ ही साथ सैयद तौकीर अहमद जो हमारे ऑफिशियल में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के फरेज़ अंजाम दे रहे हैं, तो साथ ही उसमें हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो ले और कारगिल दोनों से थे, हमारे ऑनरेबल मेंबर मिर्ज़ा साहब जो हमारे ले से है और शुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर भी हैं ले से थे, और साथ ही साथ कारगिल से हमारे ऑनरेबल मेंबर अली चंदन जी जो हमारे शेरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर भी हैं, साथ ही साथ हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रेसिडेंट और हज कमेटी के मेंबर जहीद बाबर साहब, और हमारे जो मोस्ट सीनियर खादिम अल हुजाज और ट्रेनर हाजी अली साहब, ऑफिशियल में हमारे ताहिर साहब, और वर्चुअल मोड पे जो हमारे मेंबर्स और ख़ासकर जो हमारे ट्रेनर्स और इस साल के खादिम अल हुजाज जो हाजी अली खान साहब और इफ्तिकार साहब वर्चुअल मोड पे थे, नज़ीर साहब जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ले से थे, तो ओवरऑल पे डिस्कशन रहा कि इस साल का जो 2023 का हज किस तरह रहा, उनसे फीडबैक लिया कहाँ पे क्या कमी पेशी रही, कि नेक्स्ट में 2024 का जो हज से शुरू होगा उसके लिए हम उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सके, और कुछ हमारे जो हुजाज में से भी ख़ासकर आकाश शेख कराती साहब और ज़िया साहब हुजाज किराम में से मखसूस यहाँ पर मधु करके लाए थे, कि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ फीडबैक वगैरह जो भी लिया, तो सबके जो भी ग्रीवेंस हजों को लेकर था, जो भी मसाइल दरपेश आए इस साल हज के लिए, तो ऑलमोस्ट हमारा 90% बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें हमारे जो खादिमैन हुजाज जो ट्रेनर्स की जो अच्छा ट्रेनिंग दिया, और जो खादिमैन हुजाज साथ में रहा, साथ ही साथ वॉलंटियर बेस पे हमारे शेख कराती साहब का भी बहुत ही अहम रोल रहा, उसके अलावा ज़िया साहब भी जो जुड़े थे, तो सब का पूरे कमेटी की ओर से इनका तहदिल से शुक्रिया अदा किया, और इनको हमारे जो टीम थे उनका खतक से भी नवाजा। तो आने वाले जो एक्शन प्लान के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि 2024 में किस तरह जो इस साल कमी पेशी रहा वो हम किस से बेटर हम कर सके, इस विषय पर चर्चा रहा।
तो आने वाले टाइम में ऑनरेबल एमपी साहब की कदर में मिनिस्ट्री से भी जो हम खासकर खादिमीन हुजाज का बढ़ाना, ये मेन पॉइंट रहा। उसके अलावा जो स्टेट हज कमेटी की ओर से जो इसमें कमी पेशी रही या कुछ और अच्छा करने के लिए अवेयरनेस कैंप वगैरह का भी इसमें जिक्र हुआ, इन सब को लेकर आने वाले टाइम में भी हम इस तरह गेट टुगेदर करते रहेंगे। तो आने वाले टाइम में हमारा 2024 का एक अच्छा सा बढ़िया हज परफॉर्म हो, इसके लिए एक तैयारी चल रही है हज कमेटी को लद्दाख की ओर से। जो हज का सर, इस साल का जो हज सर दौरा जो किया था, उससे पहले एक पासपोर्ट कैंप करगिल में लगा था सर, जी और जी आपने आगे बात भी किया था, तो सितंबर के महीने में एक स्पेशल पासपोर्ट कैंप करगिल में लगना था सर, जी तो जी उसके बारे में। हमने मिनिस्ट्री में ये चिट्ठी लिखा है, तो 2 बार में हमारे जो पासपोर्ट ऑफिसर साहब है उनसे भी मीटिंग हुई, तो टिल डेट तक हमें थोड़ा मिनिस्ट्री से इसमें क्लियरेंस नहीं आ रहा है, वहाँ से एनओसी नहीं मिला, तो उसको लेकर ये थोड़ा फाइल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। अदरवाइज पहले डेट फिक्स हुआ था, अभी थोड़ा वहाँ से कुछ इशू को लेकर ये मस पेंडिंग रहा है। तो इनशाला हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में भी जल्द से जल्द कैंप भी हो, और पूरा हज कमेटी इस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कारगिल के अंदर सेपरेट जो सेवा के अंदर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर।